हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं जैसे कि कोविड-19 के कारण पूरी कंट्री के अंदर देर से लॉकडाउन, जिसकी वजह से हम क्लासेस नहीं लगा पा रहे हैं। इसलिए आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई का भी लॉस ना हो, क्योंकि आपकी 10th क्लास है। तो आज हम फर्स्ट क्लास करेंगे जिसमें आपका क्या सिलेबस है उसका एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। 10th का जो सिलेबस है बाकी चारों लेवल के सिलेबस से बहुत इजी है, इजीली आप समझ सकते हो और पेपर भी बहुत ज़्यादा इजी आता है। आपके सिलेबस में टोटल 7 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट है फंक्शन इंग्लिश, इसमें हम आर्टिकल्स हैं, नाउन प्रोनाउन हैं उनके बारे में करेंगे, रोल प्ले करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, ये सारी चीज़ें हम करेंगे फंक्शन इंग्लिश के अंदर। उसके बाद सेकेंड यूनिट है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग तरह की कीज़ दी गई हैं। अगर किसी पर्सन को कोई डिसेबिलिटी है, उसके हैंड्स में कुछ प्रॉब्लम है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, विज़न इम्पेयरमेंट है, तो उसके लिए कीबोर्ड में कुछ कीज़ बनाई हुई होती हैं, जिनसे अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है तो वो भी उन कीज़ का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को ईजिली ऑपरेट कर सकता है। तो वेब एप्लीकेशन के अंदर हम उन सभी कीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट हमारी है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग का कुछ पार्ट हम 9th क्लास में कर भी चुके हैं। वर्ड प्रोसेसिंग बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम पेज को बॉर्डर भी दे सकते हैं, अपने पेज को डेकोरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट के बीच में पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर करेंगे। फोर्थ यूनिट हमारी आती है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट बेसिकली किस लिए बनाई जाती है? स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाने के लिए, मार्कशीट बनानी है, कैलकुलेट करना है, उन सब के लिए हम स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें रो कॉलम पहले से ही बना बनाया फॉर्मेट होता है, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट बच जाता है। अगर हमें पूरे स्कूल का रिकॉर्ड तैयार करना है तो हम इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कैलकुलेशन के भी फॉर्मूलेज होते हैं, हमें बस अप्लाई करने होते हैं। तो अगर हम हाथ से अलग अलग कैलकुलेट करेंगे किसी भी स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने हैं, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन हम ऑटो सम फंक्शन का इस्तेमाल कर ईजिली कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे यूनिट नंबर 5th है डिजिटल प्रेजेंटेशन। डिजिटल प्रेजेंटेशन के अंदर हम सीखेंगे कि अपनी जो भी आप कहना चाहते हो, जो भी आप दिखाना चाहते हो किसी को भी, बहुत बड़ी ऑडियंस है हमारे सामने, उसे कैसे प्रेजेंट करेंगे। हम पीपीटी के थ्रू, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू, अगर किसी को अपने व्यू पॉइंट बताना चाहते हैं, कुछ चीज़ को प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो सब कुछ हम कर सकते हैं। एनिमेशन लगा सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं, अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये सब कुछ हम डिजिटल प्रेजेंटेशन में करेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 6 है ईमेल मैसेजिंग। ईमेल मैसेजिंग में बेसिकली कैलेंडरिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम अपना कैलेंडर कैसे सेट कर सकते हैं, किसी को कैसे शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि किस टाइम पे हम अवेलेबल हैं, किस टाइम पे हम बिज़ी हैं, ताकि वो हमसे अपॉइंटमेंट ले सके, मीटिंग कर सके। ये सारी चीज़ें हम कैलेंडरिंग सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे। उसके बाद लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 7 DBMS डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS के अंदर हम अलग अलग तरह के डाटा टाइप्स करेंगे। DBMS किस लिए इस्तेमाल होता है, RDBMS रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम वो किस लिए इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें हम RDBMS के अंदर करेंगे। तो ये टोटल 7 यूनिट्स हैं, ये आपका सिलेबस है। बहुत आसान है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट यूनिट से शुरू करेंगे जो कि है फंक्शन इंग्लिश। फंक्शन इंग्लिश का हम करेंगे सबसे पहले सेशन नंबर 1। सेशन नंबर 1, इसमें टोटल 22 सेशंस है। हम फर्स्ट सेशन करेंगे आज। फर्स्ट सेशन है ऑर्डरिंग फूड एट ए रेस्टोरेंट। इसमें बोला गया है इमेजिन दैट यू आर एट ए रेस्टोरेंट। ऐसे सोचो कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पे वेटर आपके पास आता है, वो आपसे पूछता है कि आप क्या ऑर्डर करना चाहते हो, तो आप उसको ऑर्डर देते हो कि मैं एक प्लेट वेजिटेबल चाउमीन ऑर्डर करना चाहता हूँ।
तो ये ऑर्डर आप किस तरह से करोगे इसके बारे में सोचो और कुछ सेंटेंसेस बना के देखने हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जब भी हम कोई ऑर्डर है वो देते हैं रेस्टोरेंट में जाके, कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं जो हमेशा इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें से कुछ टर्म्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे कोई भी खाना जो होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है स्टार्टर, जिससे हम अपना खाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आता है मेन कोर्स, जो खाने के अंदर मेन चीज़ होती है। और लास्ट में हम डेजर्ट लेते हैं, कुछ भी मीठा लेना वो डेजर्ट के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले आता है स्टार्टर। स्टार्टर क्या होता है? द फर्स्ट कोर्स इन ए मील ऑल्सो कॉल्ड एपिटाइजर्स और स्टार्टर्स। जो खाने के अंदर फर्स्ट कोर्स होता है उसे स्टार्टर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आई वुड लाइक टू हैव फ्राइड वेजिटेरियन मोमोज फॉर स्टार्टर्स। जैसे मैं अपने खाने में स्टार्टर के लिए फ्राइड वेजिटेरियन मोमोज लेना चाहता हूँ। स्टार्टर के अंदर हम फ्रेंच फ्राइज़ ले सकते हैं, मंचूरियन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें स्टार्टर्स के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद सेकंड आता है मेन कोर्स, द प्राइमरी और मेन डिश इन ए मील। हमारे भोजन के अंदर जो मेन डिश होती है या जो प्राइमरी डिश होती है वो मेन कोर्स होती है। जैसे आई वुड लाइक टू हैव शाही पनीर, चना पिंडी, रायता एंड रुमाली रोटी फॉर द मेन कोर्स। मैं मेन कोर्स के लिए शाही पनीर, चने पिंडी, रायता और रुमाली रोटी लेना चाहूँगा। लास्ट में आता है हमारे खाने में, लास्ट में आता है डेजर्ट, द फाइनल कोर्स ऑफ ए मील। इट मे बी फ्रूट और ए स्वीट डिश। हम खाने के लास्ट में, अंत में जो लेते हैं वो आता है हमारे डेजर्ट के अंदर। इसमें हम कोई भी फ्रूट भी ले सकते हैं या कोई भी मीठी चीज़ ले सकते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू हैव खीर फॉर डेजर्ट। मैं डेजर्ट के लिए खीर लेना चाहूँगा। उसके बाद स्टडी द डायलॉग गिवन बिलो एंड फिल अप द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नीचे कुछ डायलॉग्स दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल करके आपको फिलअप करना है। जैसे फर्स्ट है स्टार्टर, स्टार्टर में आपको लेना है चिली पोटैटोज। मेन कोर्स में आ जाएगा वेजिटेबल फ्राइड राइस एंड चिकन मंचूरियन विथ ग्रेवी। डेजर्ट में दिया हुआ है चॉकलेट आइसक्रीम और लास्ट में दिया हुआ है ए बॉटल ऑफ मिनरल वाटर। उसके बाद आर्टिकल्स दिए गए हैं ए एंड द, और इनके तीन एग्जाम्पल भी दिए गए हैं ए एंड दी का इस्तेमाल करके। उसके बाद दी गई है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में वेटर और कस्टमर के बीच में कन्वर्सेशन दी गई है। आपको इमेजिन करना है कि आप एक कस्टमर हो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आपकी क्या कन्वर्सेशन रहेगी वेटर के साथ, कैसे आप बातचीत करोगे। रोल प्ले है, जब भी क्लास स्टार्ट होगी हम इसके ऊपर रोल प्ले भी करेंगे। आपको ये एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो करने हैं। जैसे वेटर है, आर यू रेडी टू प्लेस योर ऑर्डर मैम और सर। वेटर आपसे पूछता है, क्या आप अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद कस्टमर कहता है यस फोर डैश आई वुड लाइक टू हैव डैश। जैसे कस्टमर कहता है हाँ फोर। उसके बाद फॉर द स्टार्टर्स, जैसे सबसे पहले वो मेन कोर्स तो ऑर्डर करेगा नहीं, तो फॉर द स्टार्टर आई वुड लाइक टू हैव फ्राइड राइस। फ्राइड राइस तो मेन कोर्स में आ जाएगा। इन्होंने फर्स्ट आपको दिया था ना एग्जांपल किसका इस्तेमाल करना है, तो स्टार्टर के अंदर इन्होंने दिए हुए थे चिली पोटैटोस। तो फॉर द स्टार्टर आई वुड लाइक टू हैव चिली पोटैटोस। उसके बाद वेटर पूछेगा हाउ मैनी, कितना। वेट कस्टमर जस्ट वन प्लेट विल डू, ओनली एक प्लेट काफ़ी है। वेटर ओके। कस्टमर फोर डैश आई विल हैव। फॉर द स्टार्टर, फॉर द मेन कोर्स आई वुड लाइक टू हैव। जो भी चीज़ आप ऑर्डर करना चाहते हो वो आप बोल सकते हो। उसके बाद जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए ऐसे ही आपको ये फिलअप करने हैं। उसके बाद आर्टिकल्स दिए गए हैं ए एन और द का इस्तेमाल करके। जो एक्सरसाइज दी गई है ये आपको फिलअप करनी है, ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर भी करनी है। और जो इससे पहले एक्सरसाइज थी कस्टमर और वेटर के बीच में कन्वर्सेशन की, वो भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर करनी है। दोनों एक्सरसाइज आपको करनी है।
अगर कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे से कॉल करके भी पूछ सकते हो। इन दोनों की ही आंसर की मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पे। 17 सेंटेंस है एएनडी का इस्तेमाल करके, ये असेसमेंट करनी है, और जो कन्वर्सेशन है वेटर और कस्टमर के बीच में वो वाली करनी है। सेकेंड सेशन हम कल करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक्स स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ। ओके बाय।